हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। नमस्कार, हम हैं अनूप नारायण सिंह। आज हम आज पहुंचल बनी बनियापुर जो प्रखंड मुख्यालय बटे, यहाँ आज पैक्स चुनाव के नामांकन हो रहा बा। हमनी के साथे पैक्स चुनाव लड़े वाला मैंने पूरा पैक्स बटे बनियापुर विधानसभा के अंतर्गत बा, जो प्रत्याशी बनी यहाँ से। आई जानल जाओ कि क्या प्राथमिकता बटे पैक्स चुनाव के लेके, क्या आगे के रणनीति बा। सबसे पहले तो रउआ के बहुत बहुत धन्यवाद मौका खातिर। जैसे कि पैक्स चुनाव जोन बा, देखल जा रहा बा कि हर एक पंचायत में जितना भी पैक्स के अध्यक्ष बारे के 20 साल से बा, 25 साल से बा, लेकिन सही मायना में जाना खातिर पैक्स के सरकार द्वारा स्थापना भइल उ चीज़ के होने के पड़े। पैक्स के स्थापना हर एक पैक्स में पंचायत में भइल कि किसान के फसल से लेके खाद खरीद तक ओकरा सस्ता दर पर उपलब्ध करा के, अपन फसल के मार्केट उपलब्ध करा के, फसल के उचित मूल्य पर ओकरा के खरीद, जैसे किसान के समृद्धि होके विकास हो। लेकिन पैक्स अध्यक्ष लोग अपन जेब भरे के सिवा दोसर कुछ कैले नहीं है, जौना के फलस्वरूप आज बा कि किसान जस के तस ओकर स्थिति आजो बनल बा। किसान के लगे ना कोनो लोन के सुविधा बा, ना ओकर कहीं फसल के मार्केट उपलब्ध बा, ना ओकरा पैक्स से खाद खरी मिलता, खाद खरी ओकरा मार्केट से काला बाजारी वाला भी खरीद के पड़ता। धान गेहूँ जौन होता ओकरा के मार्केट में बिचौलिए के ओने पौने दाम पर दे, मजबूर बा। जैसे हम मणिपुरा पंचायत के जितना भी निवासी बा सब लोग से आग्रह करें कि सब चीज पर सोच विचार करके अपने सही हाथ में एक और जिम्मेदारी सौंपी लोग, आवे वाला समय में हम लोग शिकायत के मौका ना दें। अब मनोज जी लड़ाई ककरा से चुनाव में कहते हैं किसान से जुड़ल बा पैक्स, पूरा बिहार के स्थिति बा कि पैक्स में जितना लूट तो कोर्ट बने यूथ बनी या किसी जमीन से जुड़ल बनी, तो क्या लगता है कि पैक्स क्या कर ले, कौन बड़का कमाल देखा दे लोग के जिता देता। देखिए, जहाँ लड़ाई तक के जहाँ तक बात बात, पंचायत में कोई लड़ाइए नहीं। पिछिलका पैक्स अध्यक्ष पंचायत के सारा लोग नाखुश बा, पंचायत के सारा जनता के निर्देश पर ही हम चुनाव में जुटल बनी। हम चुनाव अगर जीता तनी तो हमार पहलका उद्देश्य बा किसान के केंग 2 गो रुपया के आय बढ़ो, केंग किसान समृद्ध होके, केंग खुशहाल होके, ओकरा खातिर हम अपन जौन बा एगो नियोजित तरीका से ओकर फसल के सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर खरीदारी करें, जौना हमारा पंचायत में आज लगभग 5-10 बजे से खरीदारी नहीं हो तो ओकरा के चालू करें, खाद खरीद लिया के सही मूल्य पर किसान के उपलब्ध कराएं, जैसे किसान के खुशहाली होके किसान के पॉकेट में ओकर सही अनाज के दाम जाए, ये हमारा विशेष लक्ष्य बा। अभी ये सरकार के बहुत महत्वाकांक्षी योजना बा, परसों से चल रहा बा जन वितरण प्रणाली, तभी एक पैक्स के अंतर्गत दे देवल गई बा। सब जगह से शिकायत बा, खासकर रौरा जन प्रखंड में बनी ओहू में बहुत व्यापक पैमाने पर धान दी गई बा, तो क्या कुछ सोचले बनी रौरा चुनाव जीतने के बाद। लेकिन जरा बात सोच बा कि जन वितरण प्रणाली में बहुत बड़का धांधली हो रहा बा, आए करा के बिचावे खातिर हम अपना हर संभव प्रयास करें। हमार सोच नया बा, और नया सोच के तहत हम पैक्स के अंतर्गत जन वितरण प्रणाली दुकान में जौन भी राशन किरासन आई ओकर जे भी सही हकदार हुई ओकरा लगे हम पहुँचाए के काम करें। हमें अपना तरफ से कोई घोटाला ना हो, इतना हम मैंने पूरा पंचायत की जनता के अपना तरफ से विश्वास दिला होता है। लोग रोड़ा के चिंता हो, हमार नया सोच बा, नया तरीका से हम काम करे के चाहत हनी। जौन अभी 20 साल में हमारा पैक्स में नहीं भय, ना के रुपया अगले सस्ता दर पर खाद मिलल बा, ना अनाज मिलल बा, ना ओकर धान के चाहे गेहूँ के सही के खरीदारी करता, वो हम चालू करें। जेकर भी धान हो गेहूँ हो सरकार द्वारा जो समर्थित मूल्य बा ओपर हम खरीदारी करें, जैसे कि ओकरा मान ली कि खेती से एक अच्छा आय के जरिया ओकर होते युवा हमी के प्लान करता है, ना प्लान करिए अपना खेती के आय के जरिया बनाइए, खेती से अपना व्यवसाय करिए, यहाँ के बने। वो मन्नू जी और यहाँ के साफ माने के बटे कि लड़ाई भले प्रारंभिक स्तर पर बा, लेकिन जोन किसान के जहाँ से राहत मिल सकत अटे, पैक्स बहुत बढ़िया उस संगठन बटे, या चुनाव में जीतला के बाद यहाँ के बहुत कुछ विजन बटे, तो देखे के बाद कि चुनाव जीतला के बाद यहाँ के का कुछ कर पावत नहीं मिले जाए, फिर चुनाव जीतला के बाद। अभी मन्नू जी से तब तक खातिर दी विदा, नमस्कार। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।